रावल के लिए खास। क्या चीज बना रही है दिलवाले टू को दिलवाले वन से अलग? कितने पैसे कमाने वाली है दिलवाले टू? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों, फिल्में आती हैं और जब वो चली जाती हैं तब हमें शायद ही ये एहसास हो कि ये फिल्में कितनी अहम थी, पर हमने इन्हें वो अहमियत नहीं दी। फिर कुछ समय बाद हमें ये बात रियलाइज होती है कि हमने कितनी ज्यादा अहम मूवी को एक हक से नजरअंदाज कर दिया। हाँ, ये तो हम सबके साथ हुआ है, लेकिन समझदारी इसमें ही है कि हम पूरे सोच समझ के साथ अच्छी फिल्मों को अहमियत देना शुरू करें, क्योंकि इन फिल्मों से केवल डायरेक्टर, स्टार और प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि सबकी जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पहले पार्ट को लोगों ने प्यार तो बहुत दिया लेकिन टाइम के साथ जल्दी भुला भी दिया, और ये मूवी है दिलवाले। हाँ, वही 1994 में रिलीज हुई दिलवाले। अब दिलवाले का दूसरा पार्ट दिलवाले 2 थिएटर्स में लाने की प्लानिंग करी जा रही है। इस मूवी को हैरी बवेजा ही डायरेक्ट करेंगे और इसमें स्टार होंगे अजय देवगन, सुनील शेट्टी और भी दूसरे बड़े सितारे। जब दिलवाले 1994 में रिलीज हुई थी तब इस मूवी को सबसे प्यार जरूर मिला था और ये बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म कर गई थी, लेकिन तब भी इस मूवी को लोगों ने टाइम के साथ भुला दिया। अजय देवगन खुद भी एक बार ये बात कह रहे थे कि शायद ही इस मूवी की वजह से मुझे कोई जानता होगा। दिलवाले का मॉनेटरी बिजनेस भी काफी अच्छा रहा था, बट तब ये मार्जिन के लगभग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। अब हाल ही में दिलवाले के दूसरे पार्ट को रिलीज करने की तैयारी करी जा रही है। इस मूवी से इस मूवी की स्टार कास्ट और स्पेशली इसके क्रू की बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। इस मूवी के डायरेक्टर का भी ये कहना है कि वे दिल से ये चाहते हैं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल दिखाए जो उसका फर्स्ट पार्ट नहीं दिखा पाया था। इस मूवी में जो क्रू काम करेगा उसमें से ज्यादातर फर्स्ट पार्ट में कॉन्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो उनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा है इस मूवी से, क्योंकि वे इस मूवी को आसमान की बुलंदियां छूते हुए देखना चाहते हैं। इस मूवी में परेश रावल फिर से नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते दिखेंगे। परेश रावल ने भी अपनी ये इच्छा जताई है कि बॉलीवुड में इतने सालों कॉमेडी रोल्स करने के बाद वे भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। वैसे तो दिलवाले 2 को लेकर इंडस्ट्री में काफी बस बना हुआ है और इसलिए पूरे पूरे चांसेस हैं कि दिलवाले 2 काफी अच्छा बिजनेस कर सकती है। ये मूवी इतने साल बड़ी इंडस्ट्री में अपना रिटर्न कर रही है, इसलिए इसके सक्सेस रेट्स थोड़े हाई हैं। इस मूवी में जितना भी प्रॉफिट होगा वो इस मूवी की कास्ट एंड क्रू की पूरी मेहनत का नतीजा होगा। तो इस फिल्म की रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और फिल्म जुड़ी कई और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलूंगी अगले वीडियो में और किसी अगले स्टार के बारे में कुछ नई अपडेट्स के साथ।